हेलो हेलो, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस वापस से आ गए माइनक्राफ्ट के एकदम धांसू एपिसोड के साथ, और आज अपन ऐसा फार्म बनाने वाले हैं जो कि भाई माइनक्राफ्ट में इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। जी हाँ भाई, आपने सही गेस किया भाई, हम लोग आज बनाने वाले भाई ऑटोमेटिक फूड फार्म, और उसका भाई मटेरियल लिस्ट आपके सामने है। एंड गाइस, वीडियो को आने में काफी ज्यादा लेट हो गया है। आई नो भाई, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं, लेकिन भाई कुछ बेहतर बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और डायरेक्ट चलते हैं भाई अपने फूड फार्म की तरफ। ओके, तो गाइस अपने को फूड फार्म इस जगह में भी बनाना है जहाँ पे हमारा भाई ओल्ड क्रीपर फार्म है जो कि चलता भी नहीं है। तो गाइस इस जगह में अपने को भाई अपना फूड फार्म बनाना है, तो पहले भाई इस उबड़ खाबड़ जगह को भाई सीधा करना पड़ेगा, यानी लग जाओ भाई मजदूर पे, और क्या करना है यार माइनक्राफ्ट में। अब आपको भाई एक कॉर्नर से आपको 13 ब्लॉक्स खींचने हैं, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इधर से आपको 12 ब्लॉक खींचने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको आपको अंदर से पूरी तरीके से भर देना है। आपको 2 यहाँ पे ब्लॉक लगानी है, उसके बाद एक गड्ढा करना है, उसमें एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देना है, देन गड्ढे को वापस भर देना है। जहाँ पे आप रेडस्टोन लगा हो वहाँ पे आपको पावर रेल लगा देना है, और बाकी जगह आपको पूरा रेल से भर देना है। अब आपको किसी भी साइड से 6 ब्लॉक गिन के आपको बीच के सारे रेल्स और कॉबलस्टोन तोड़ देने हैं, और नीचे के डर्ट्स भी एक एक ब्लॉक तोड़ देने हैं। अब आपको यहाँ पे रेडस्टोन पूरी तरीके से लगा देना है, एंड देन आपको कॉबलस्टोन से वापस भर देना है, देन आपको उस जगह में सारी जगह भाई पावर ड्रिल लगा देना है। इसके बाद आपको कलेक्शन सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जमीन खोदना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 2 जस लगाने हैं, और उसके पीछे एक स्टोन लगा देना है, देन हॉपर से कनेक्ट कर देना है। ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको कंपैरेटर कुछ इस तरीके से लगाना है, देन आपको स्टोन कुछ इस तरीके से लगाना है। आपको इस एरिया में एक रेडस्टोन टॉर्च लगाना है, देन एक रेडस्टोन रिपीटर इधर फेस करता हुआ। अब आपको जितने भी रेल्स लगाए सबके ऊपर आपको डॉट लगा देना है। अब आपको यहाँ पे सारे तरफ से भाई यहाँ पे बॉर्डरिंग कर देना है कोई भी ब्लॉक से। ओके भाई, मैं इतने देर से भाई बिल्ड बना रहा हूँ, अब आपसे बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं थी। तो गाइस वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था भाई, यहाँ पे दो लेयर की ग्लासेस लगा दी थी, और ऊपर में भाई स्लैब लगा दिए थे। गाइस अब आपको क्या करना है, सेंटर से यहाँ पे 2-2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आपको भाई पानी भर देना है। अब यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट के हॉपर लगा देना है, और उसको ढकेल देना है आगे, जिससे वो अपने आप चलते ही रहेगा। तो गाइस अब मैं आ चुका हूं भाई हमारे सीड फार्म में, जहाँ से मैं अभी बहुत सारे सीड्स जमा करके भाई आपको मिलता हूँ। तो गाइस आपको जितने भी यहाँ पे डर्ट दिख रहे सब में भाई आपको हो कर देना है। आप अब आपको हर एक कॉर्नर से 2-2 टॉर्चेस लगा देने हैं, और अब आपको हर जगह भाई यहाँ पे सीड्स लगा देने हैं।
ओके तो गाइस मेरा फाइनली फूड फॉर्म बनने ही वाला है। बस भाई यहाँ पे एक विलेजर को अंदर डालना है, उसको फार्मर बनाना है। तो मैंने एक विलेजर को किडनैप करके तो ला लिया है, बस अब इसको अंदर डालना है। तो अब इसको ऊपर डालने के लिए स्टेयरकेस बनाना पड़ेगा। देन आपको ऊपर से एक रेल्स बिछाते हुए आ जानी है नीचे, इसको अच्छे से कैद कर देना है। देन इसका बोर्ड आपको तोड़ देना है और इसको डायरेक्ट भेज देना माइनकार्ट से ऊपर। अब आपने जितने भी ये सब फालतू चीजें बनाई थी इसको तोड़ देना है। इसके बाद आपको 8 स्टैक सीड आपको विलेजर्स को दे देना है जिससे उसका इन्वेंटरी फुल हो जाए, और आपको वीट के उगने का इंतजार करना है और बस हमारा फार्म रेडी। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप ये फार्म अपने वर्ल्ड में बनाओगे तो जरूर बताना। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू गाइस, पीस आउट।